हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आई नो चैनल पर काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं और आप लोग हाल चाल में नहीं पूछ पा रहा हूं। देन आई प्रॉमिस, आपका प्रॉमिस, अब चैनल पर वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहेंगे और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 5G स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MI 10i 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर बैक साइड में साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर 6.67 इंच की फुल HD प्लस टॉच डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अच्छी है। अब अगर बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 12 Snapdragon 750G जो कि 8nm पर बेस्ड है। और हाँ, ये 5G प्रोसेसर होने वाला है। और यहाँ पर कैमरास की बात कर लें तो 4 कैमरास आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का। तो फिलहाल अब अगर बात कर लेते हैं इस फोन का सेकेंडरी कैमरा के बारे में, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल प्लस साथ में ही है 2 मेगापिक्सल और एक साथ में है 2 मेगापिक्सल। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और अब बात कर लेते हैं इस फोन में और क्या खास है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर बैक साइड मेंशन किया गया है कि 4830 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलने वाली है। और हाँ, इसके साथ में ही इन बॉक्स आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है जो कि टाइप सी होने वाला है। काफी ठीक है, मतलब 33W कम नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर बात कर लें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। डॉट नॉट डिस्प्ले आप लोगों को पता ही है। और हाँ, अगर बात कर लें इस फोन के प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का। और अगर इसमें साथ ही साथ बात कर लें जैक की, तो हाँ, यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक दिया गया है। और इस बॉक्स में फोन नहीं है बट पिल है। कितने का है ये फोन तो वो भी आपको बता देते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बिल, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे 24,000 रुपए देकर खरीदा है। तो ओवरऑल हमारी वीडियो फिनिश हो चुकी है। बस छोटी सी चीज, डिजाइन, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसको भी कुछ पॉइंट दे देते हैं। तो अगर आप इस फोन की डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो उसे मिलते हैं 1 पॉइंट, और हाँ सॉफ्टवेयर तो उसको भी मिलते हैं 1 पॉइंट, और प्रोसेसर अगर उसे मिलते हैं 9 पॉइंट, क्योंकि ये फोन है प्रोसेसिंग काफी गजब की देखने को मिलने वाली है। मतलब मुझे तो मिल ही रही है, आप लोगों को भी मिलने वाली है। और अगर इसके साथ में बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में, तो बैटरी को भी मिलते हैं 9 पॉइंट, नियर अबाउट 5000 mAh के आसपास आपको बैटरी देखने को मिलती है। मतलब एक दिन आप आराम से यूज करिए, फोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर इसके साथ में बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, तो कैमरा को मैं इतना कुछ खास नहीं 7 पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कैमरे में मुझे 108 MP वाली बात कोई लगी नहीं वैसे तो। बट 108 MP है तो है, कंपनी बेवकूफ तो नहीं है। बट मुझे कुछ, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं देखने को मिला है 64 and 108 MP में। बट हाँ, 108 MP है तो कहीं ना कहीं पे कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। और अगर बात कर लेते हैं इस फोन के वैल्यू फॉर मनी की, तो ठीक है 8 पॉइंट दे सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी है 22,000 रुपये का तो ये फोन था, बट मुझे 24,000 का मिला है। बट आपको शायद 22,000 रुपये या फिर उससे कम भी मिल सकता है अगर कुछ ऑफर चलेगा, बाकी देखते हैं क्या रहता है। और अगर ओवरऑल बात कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत आ सकती है आपको, तो थोड़ा सा फोन ये बल्की सा फील होगा आपको, बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, बट थोड़ा सा हैवी लगेगा। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा और शानदार फोन है। अगर आप इसको बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फोन में। बट मुझे तो काफ़ी महंगा पड़ गया है फोन।